पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गन्ने के बकाया भुगतान और अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने मुरादाबाद कमिश्नरी कार्यालय का घेराव करते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए कमिश्नरी गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर सड़क पर उतर आए। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसान पूरे लाव लश्कर के साथ प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय जा पहुंचे। वहां पहुंचकर किसानों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने अपने ऊपर के कपड़े उतार कर सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर नारेबाजी शुरू कर दी और गन्ने के बकाया भुगतान की मांग पर अड़ गए। इन किसानों की मांग थी कि पूरे मंडल की सभी गन्ना मेलों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और किसान के खेत में जिस प्रजाति का भी गन्ना खड़ा हुआ है वो मिल सही रेट में खरीद कर उसका भुगतान करे। किसानों ने मुरादाबाद के प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उनका धरना उसी समय समाप्त किया जाएगा जब उन्हें सही आश्वासन मिलेगा, वरना वो लोग कमिश्नर गेट से हटने वाले नहीं है। किसान गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे। सरकार ने वादा किया था चुनाव में कि किसान की लागत का 1.5 गुना हम मूल्य फसल का बाजी दाम देंगे, लेकिन आज तक बाजी दाम जब किसान को मिलता इस सरकार ने गन्ना मूल्य रेट घोषित करने का काम नहीं किया। इस सरकार ने अपनी निजी चीनी मिलें चलवाने का काम नहीं किया, सरकारी चीनी मिल चलवाने का काम नहीं किया। सरकार का एजेंडा है कि 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का धुआं बाहर होगा, लेकिन धुआं अंदर भी नहीं है। और किसी भी प्रशासन का इस सरकार का कोई पालन कोई अमल इसमें नहीं हो रहा। आज गन्ना किसान ही अपनी बात कहने के लिए आए हैं, लेकिन जाएंगे जब जब यहाँ चीनी का इंडेंट जारी हो जाएगा और चीनी की पर्ची वितरण हो जाएंगी। भारतीय किसानों का वो संगठन है जो कहता है जो करता है। इस सरकार ने वादा जो किया था कोई पूरा नहीं किया, किसान पे कर्ज बढ़ाने का काम किया है। अगर किसान को गन्ना एक्ट में गन्ना नियम में अगर ब्याज मिलता तो गन्ना समिति का किसान ब्याज देने का काम करेगा। ये सरकार नहीं, ये सरकार किसान विरोधी है। इसका विरोध सड़क पर उतर कर होगा।